अब नहीं थमेगी इंजन की रफ्तार, देश की शान, इंजन की जान, देशवाल इंजन ऑयल, जिस पे देश करे भरोसा। पवित्र सभी मेरी मां शक्ति दूर दराज से पधारी हुई जिकड़ी प्रेमी जनता, संगीत के शौकी श्रोता गए, संगीत से जुड़े हुए जितने भी कलाकार यहां पर उपस्थित हैं एवं हमारी परमादरणीय वंदनीय कमेटी, सर्वप्रथम सबसे पहले सबके लिए आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर की तरफ से नमामी नमस्कार है। राम राम साहब है, राम राम तो ले लियो। सभी कलाकार बारी बारी से आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन बड़े ही अच्छे तरीके से करते हुए जा रहे हैं। मैं तो उनके जो चरणों की रज हुआ करती है उसके भी बराबर नहीं हूं, फिर भी कोशिश करूंगी कि आपके इस कोमल रूपी हृदय को प्रकाशित कर सकूं, प्रफुल्लित कर सकूं, गदगद कर सकूं। तो देखिए, किसी कवि ने बड़े प्यारे सुंदर शब्दों को सजाया और आपके सामने परोस रहा भैया मोनू कैसे। फूस की आग भुजे जल से और ये जल माही लगे तो भुजे कहो कैसे छान गिरे थूनी से डटे ये आसमा गिरे तो डटे कहो। लेकिन कहा मेरो वियोग पिया से मिटे और पिया को वियोग मिटे कहो कैसे। अरे और लिखी तो सब ही मिटे या विधि की लिखी मिटे कहो। कलाकार बारी बारी से आपके सामने गाते हुए जा रहे हैं, लेकिन जब यह जीव गर्भ के अंदर होता है उस परमपिता परमात्मा से ये वायदा करता है कि प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालिए, मैं धरती पर जाते ही आपका नाम रखूंगा। परमात्मा कहता है मैं तुझे धरती पर तो भेज दूंगा लेकिन देख तू जाते ही करेगा क्या। और भैया मोनू कहा कैसे।
या काम क्रोध मद लोभ मोह में। परमात्मा कहता है मैं तुझे भेज तो दूंगा लेकिन तू करेगा क्या। और या काम क्रोध मद लोभ मोह में और तू फंस जाएगा क्या। और या काम क्रोध मद लोभ मोह में और तू फंस जाएगा। लेकिन अरे ओ बाब रे पीछे पछताएगा। परमात्मा कहता है जरा देख क्या। और या काम क्रोध मद लोभ मोह में क्या। और या काम क्रोध मद लोभ मोह में काम क्रोध मद लोभ मोह में तू फंस जाएगा। लेकिन अरे ओ बाप रे पीछे पछताएगा। ओ बाप रे और कहा ढोलक की आवाज खोलो थोड़ी सी क्या। शुभ कर्मों की रे बंदे भैया क्या। अरे शुभ कर्मों की रे बंदे शुभ कर्मों की बंदे कर ले कमाई। शुभ कर्मों की बंदे कहा। शुभ कर्मों की बंदे शुभ कर्मों की बंदे कर ले कमाई। और अरे संग में जावे तेरे संग में जावे तेरे संग में भैया तेरे जावे की भलाई। संग में भैया तेरे और कहा। अरे जैसा कर्म करेगा पैसा क्या। अरे जैसा कर्म करेगा वैसा फल तू पाएगा। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कर्म प्रधान विश्व रच राखा जो दस करे ही सो दस फल चाखा। जब कहा अरे जैसा कर्म करेगा वैसा फल तू पाएगा। अरे जैसा कर्म करेगा वैसा फल तू पाएगा। लेकिन अरे ओ बाप रे पीछे पछताएगा। ओ बाप रे पीछे पछताएगा। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे संचालक जी पप्पी डागुर साहब ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा समय सिंह डागुर है जाना में राखो बाना में। देखिए किसी भी धन ने कहा है कि ना राम किसी को मारते। भैया ना राम किसी को मारते ना हत्यारे राम अपने आप मर जाते हैं कोई कर कर खोटे। ऐसा कोई प्रसंग नहीं ऐसी कोई कथा नहीं ऐसा कोई जिक्र नहीं जो कि 10-20 बार आपने नहीं सुना हो। कथाएं सारी वही प्रसंग सारे वही लेकिन कहने वाले के ढंग गाने वाले की गायकी अलग अलग हुआ करती है। बात तो समय की है। एक समय रानी तारा अपने कुमार रोहतास का अंतिम संस्कार करके आती है। आहा सज्जनों रानी तारा
बियाबान जंगल में खड़ी है। रानी तारा अपने मन में विचार कर रही है, भैया कहा कि कैसे करूं, कहां को जाऊं, कैसे करूं, कहां को जाऊं, जित तो ख्याल हृदय में लाती है। अरे बियाबान में खड़ी सोच रही, फट रही जाकी खाती है कि जाय की घुसी एक मंदिर में, जाय की घुसी एक मंदिर में, वह फत की मारी। अब तुम किस्सा सुनो अगारी। आहा सजनो, रानी तारा एक मंदिर पर आकर के सो गई। और देखिए रानी तारा की हालत कैसी है, भैया मोनू कहा कैसे, कहा हेरल नंगे बदन और घूम रही तारा, और ना कोई रया सहारा है, और अंतिम आस, ए अंतिम आस टूट गई मेरी, समिट गया बंस हमारा है।
और एक ईट तो लगी किले में एक मूत्र की मोरी। और कहा एक पत्थर शिव जीवन पूजता, क्या एक पत्थर शिव जीवन पूजता, अरे एक पत्थर शिव जीवन पूजता, एक पछुरा पहना रे, और अरे एक बाप के दो बेटा पर कर्म बनाए दिए प्यारे, एक बाप के दो बेटा पर। रानी तारा मंदिर पर आकर के सो गई। रानी तारा अपने मन में विचार कर रही है, कह रही है कि जिस दम जली कुमार की काया और ये दिल माता का रोया है, अरे रह गई खड़ी अकेली, मैंने सब कुछ अपना खोया है, सो कैसे कर्म किए जल मैंने, कैसे कर्म किए जन मैंने, जब सोच करे दुखियारी, अब तुम किस्सा सुनो अगारी। आहा सजनो, रानी तारा मंदिर पर सो गई। विश्वामित्र जी ने रात्रि में कई बच्चों की हत्या की, बच्चों की हत्या करके रानी तारा के मुख से खून को लगा दिया और नगर में आकर के आवाज लगा दी कि मंदिर पर एक डाहिना आई है। जैसे ही शोरगुल को सुना, पूरा समाज इकट्ठा है, उसी समाज में कालू भंगी भी आ गया। जैसे कालू भंगी ने यह सुना कि मंदिर पर एक डाहिन आई है, तो देखिए कालू भंगी कर क्या रहा है। भैया मोनू कहा कैसे, कहा अरे किस्सा, और जब कालू सुन पायो, क्या अरे किस्सा, और कालू ने सुन पायो, और जाने हरिया पास बुलायो, और डाहिन को, और डाहिन को मार के आइयो, हे डाहिन को मार के आइयो। और इस इंसान को चेतावनी दी और कहा क्या, भैया धर्मवीर देखो एक बात में मन पे आ रही है, तुम के तो कह दो, देखो तुम इतने गलत बैठे माते, यहां तक भला गैप पड़ जाए तो ऐसी ना, जब पब्लिक छाती पर रे जब कभी या को मन करे गायबे को, तुम बैठे एक किलोमीटर दूर। भैया कहा हो तेरे है सर पे कर जय कार मान जा तू, क्यों हो मत चले क्या,
और मत चले अदा की चाल मारे जा तू, वो मत चले अदा की और कहा इंसान के पास में सब कुछ है फिर भी काम ना कर रहा है, कह रहा है हे रे कोठी बंगला बने हुए थारे, फिर भी ले गाड़ी न्यारी चाहिए भैया क्या, अरे कोठी बंगला बने हुए थारे और फिर भी ले गाड़ी न्यारी चाहिए, और हाय दुनिया भर में बोल बड़ा तेरा, दुनिया भर में बोल बड़ा तेरा बहुत बड़ी सरदारी चाहिए, ओए ना सरदारी तो बैठी दिख रही है मोर भैया कहा, अरे कोठी बंगला बने हुए थारे और फिर भी ले गाड़ी न्यारी चाहिए, दुनिया भर में बोल बड़ा तेरा बहुत बड़ी सरदारी चाहिए, ओए हेरे लंबी गर्दने चौड़ी रे छाती, लंबी गर्दने चौड़ी रे छाती घर में सुंदर नारी चाहिए, लंबी गर्दने चौड़ी रे छाती लेकर कहा से दे रहे हाल बहुत बहुत धन्यवाद, ए जी ना रहनी 100 साल मान जा तू क्यों, और मत चले रे मरोरा चाल मान जा तू, और मत चले मरोरा चाल मान जा तू, सुनिए साहब समय का भाव छोटा सा गाना, और गाना भी क्या ये इंसान न जाने कहां कहां भटकता है, रघुनाथ पंडित जी के सुपुत्र 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे, एक बार निवेदन करूंगी छोटे से भैया के लिए जोरदार तालियां बजाएं, ये इंसान न जाने कहां कहां भटकता है, कभी पूजा करने के लिए मंदिर में जाता है, कभी मस्जिद में जाता है, कभी भोले बाबा को पूछता है, कभी बांके बिहारी को पूछता है, कब वो हनुमान बाबा पूजे, कब वो भैरव बाबा पूजे, न जाने
कहां कहां भटक रहा है, गुरु बनाते डोल रहा है। और देखो हाथ जोड़ के निवेदन, बड़े ध्यान से सुनियो, ये चल रहा है कलयुग, और कलयुग के गुरु तो कलयुग के से ही मिलेंगे। और देखो आजकल के गुरु, देखो आसाराम लियो, रामपाल लियो, राम रहीम लियो, ये आजकल के गुरु हैं। लेकिन आप जैसे विद्वानों ने कहा है कि हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। भैया मोनू लिखा मुंबई वालों ने, और कैसे, और ये हम रातों को टूट कर और जिनके लिए रोते हैं, और वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। और देखिए ये इंसान नदाने कहां कहां भटक रहा है, और फिर भी आप जैसे विद्वान कह रहे हैं क्या, किले माला रोते हैं क्या, किले माला रोते हैं, ले माला रोते हैं किस जाप के चरणों में। भैया ले माला रोते हैं किस जाप के चरणों में, और क्या सब तीरथ। आप जैसे विद्वानों ने कहा है कि हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्यों, किले माला रोते हैं किस जाप के चरणों में, लेकिन सब तीरथ हो, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। और ये 100 रुपए का पुरस्कार लवकुश जी भूगेरा से दे रहे, हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा, और ये 100 रुपए का पुरस्कार राम खिलाड़ी बाबा साहब दे रहे, हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया कहा सब तीरथ होते ही माँ बाप के चरणों में, और आज का समय क्या है, क्या है पिता दुखी घर पे, ये आज का समय भैया है, पिता दुखी घर पे है, पिता दुखी घर पे भूखी रो रही अम्मा, ये आज का समय है पिता दुखी घर पे और भूखी रो रही अम्मा, और देखो बेटा का कर रोए, और बेटा गोबर धन की वो छोरा गोबर धन की और दे रहे है परिकम्मा, बेटा गोबर धन की। ये बताइए जो बच्चा अपने माँ बाप को एक गिलास का पानी भर के ना दे, और वो बच्चा तीर्थ करने के लिए चला जाए, वो तीर्थ कभी सफल हो सकते हैं, हाथ उठा के बताओ, है सकते क्या ना है। चार लाइन दे रही, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्या, खेती जब सूख जाए दिल जब दुख जाए, सूखा के बाद बरसात किस काम की। भैया क्या, खेती जब सूख जाए दिल जब दुख जाए, सूखा के बाद बरसात किस काम की, और अरे वक्त पहले देवे साथ, अरे वक्त पहले देवे साथ, किस किस के जोड़ू हाथ, अपनों की झूठी इमदाद किस काम की। और कहा मीठी मीठी बात करे पीठ पीछे घात करे, मीठी मीठी बात करे पीठ पीछे घात करे, ऐसे व्यक्तियों से फरियाद किस काम की। कहा मीठी मीठी बात करे पीठ पीछे घात करे, ऐसे व्यक्तियों से फरियाद किस काम की। और अगर लाइन सबके दिल को छू जाए तो सभी से तालियों का आशीर्वाद चाहूंगी, अगर बात अच्छी लगे तो। क्या मीठी मीठी बात करे पीठ पीछे घात करे,
बजा रहे हैं, जिन पे तो बेचारे उन पे तो टैक्स ले रहे हूँ। देखिए कलाकार कोई भी हो, अगर जनता ताली बजाती है तो उससे ये लगता है कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है। भैया कहा हे पिता दुखी घर पे, हे पिता दुखी घर पे और भूखी रो रही अम्मा, पुण्य को खोते हो क्या, क्यों पुण्य को खोते हो तुम पाप के चरणों में, क्यों पुण्य को खोते हो, क्यों पुण्य को खोते हो तुम पाप के चरणों में, और सब तीरथ हाँ सब तीरथ हो, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं और लिखा क्या, जिसे हम और आप भगवान कहते हैं, जो मंदिर में बैठा है क्या, जो मंदिर में बैठा है कोई देव न दूजा है, जो मंदिर में बैठा हुआ है वो कोई और नहीं है, वो भी हमारे तुम्हारे जैसा है, लेकिन उसने कर्म किया है। बंद कर दे, तुम बता दो तुम कितना भाई बंद। देखो गाने पूरे है जानने तो सही है, अगर तुम के तो हम तो हवाल बंद करें, बता सा बंद कर दें। कहा जो मंदिर में बैठा है कोई देव न दूजा है, ऐसा तो ना पुलिस पे फोन कर रहे हो भैया, जो मंदिर में बैठा है और कोई देव न दूजा है, और उसने उसने भी एक कर्म किया है क्या, और उसने भी तो कीनी है, उसने भी तो कीनी और माँ बाप की पूजा है, और जहां तक मेरी सोच है, देखो आदमी वही है भाई, आज के जमाने में आदमी से आदमी की बात करे आदमी, जहां तक मेरी सोच है आदमी वही है भाई, आज के जमाने में आदमी से आदमी की बात करे आदमी, और आदमी ने आदमी को आदमी तब ही माना, आदमी के संग दिन की रात करे आदमी, आदमी ने आदमी को आदमी तब ही माना, आदमी के संग दिन की रात करे आदमी, और अरे कहते परमात्मा, अरे कहते परमात्मा है वो दुष्ट आत्मा, आदमी के संग में जो बात करे आदमी। जब कहा क्योंकि समय सबके लिए बराबर, ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना, और एक कर्म करना क्या, माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना, और हम शब्द सजोते हैं, हम शब्द सजोते हैं गुरु आपके चरणों में, हम शब्द सजोते हैं गुरु आपके चरणों में, और सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों।